यहाँ पर जो है वीसी के पापा टीवी निकाल रहे हैं। आज देखिए ना, मैंने वीसी की ना आईज में ना पहली बार फर्स्ट टाइम, तो देखिए गाइस हमारा जो है इंटरवल हो चुका है इसका मूवी का। तो वीसी के पापा ने ऑनलाइन ऐसे ऑर्डर कर लिया था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, जय माता दी। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं हमेशा की तरह मेरी वीशू से। वीशू। तो गाइस आज देखिए ना, मैंने वीसी की ना आईज में ना पहली बार फर्स्ट टाइम, तो वीसी अब 5 महीने की हो गई, तो इसके फर्स्ट टाइम मैंने इसे काजल लगाया है, तो बड़ी प्यारी सी लड़की जैसी लग रही है। विशु विशु, जय माता दी, जय माता दी, विशु जय माता दी। तो गाइस जो आज का जो ब्लॉग है ना, तो थोड़ा ना घर पे ही मूवी सूवी का होने वाला है, क्योंकि जो विशी के पापा, आपने मेरे मतलब पिछले 2-3 ब्लॉग देखे होंगे शादी वाले, तो मैं अभी मायके में थी, तो विशी के पापा हमें मॉर्निंग में लेने आ गए थे। तो हमारा कुछ शाम का जो प्लान था, हमारा बाहर मूवी देखने का था, मगर मायके से मुझे इतना लेट हो गया कि सामान वगैरह सब ना वीसी का बिखरा हुआ था, मतलब सारा सामान, तो करते करते ना तो लेट हो गया बहुत, तो हमारा जो मूवी का प्लान था वो कैंसिल हो गया। बट वीसी के पापा ने ना आइडिया दिया है, और मतलब वीसी के पापा का आइडिया भी आया कि मतलब मूवी भी रहनी चाहिए, मतलब मूवी का प्लान ना कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि वीसी छोटी भी है, और आज जो दिल्ली का मौसम है थोड़ा सा ना थंडर स्टॉर्म वाला हो रखा है। तो गाइस जो वीसी के पापा ना दिखाती हूँ मैं आपको, फिर मैं बताऊँगी कि हमारा क्या प्लान है। तो चलिए गाइस, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए अभी तो वीसी के पापा डस्टिंग वस्टिंग साफ कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये आपने पहले भी देखी होगी, हमारी जो टीवी है ना दीवार में ये हैंग कर रखी है हमने। तो वीसी के पापा बिल्कुल जैसे पीवीआर में, मतलब थिएटर में होता है ना, कि मतलब सामने फ्रंट में मतलब आपका टीवी होती है, और मतलब स्क्रीन होती है, और मतलब आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर देखते हो। तो हम जो है अपना जो मतलब यहाँ पर जो फ्लोर है, तो यहाँ पर हम अपना गद्दा बिछाएंगे, और यहाँ पर जो है वीसी के पापा टीवी निकाल रहे हैं। तो देखिए गाइस ये रहे, तो यहाँ से जो वीसी के पापा है अपने स्क्रू वगैरह कुछ पकड़ रखे हैं, तरी पेचकस वगैरह, और इनको निकाल के तो यहाँ टेबल पे लगाएंगे, और वीसी के पापा ने स्टैंड भी निकाल लिए। तो चलिए गाइस, तो आपको मैं थोड़ी देर में ना सेटअप करके दिखाती हूँ। तो हम बेसिकली मतलब घर में भोला मूवी देख रहे हैं, है ना वीसी के पापा, भोला मूवी डाउनलोड किया ना आपने, तो है अच्छा प्राइम वीडियो में है, ठीक है। तो प्राइम वीडियो में हम भोला मूवी देखेंगे। हाँ जी, क्या जो भी जो देखना चाहता था, हाँ देखने का प्लान बना रहा था और नहीं देख पा रहा था, तो प्राइम वीडियो पे देख सकता है। अच्छा, कल रात को ही आई है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, तो मतलब हमारे लिए एक बेनिफिट भी हो गया वैसे। तो चलिए ठीक है। तो गाइस, तो फिर क्या करेंगे हम, वीसी के पापा ने एक और प्लान है, मतलब ये तो मूवी तो देखेंगे देखेंगे, साथ में जैसे इंटरवल में होता है ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का, तो वीसी के पापा ना ऑनलाइन उसे ऑर्डर कर लेंगे, मोमोज वगैरह चाउमीन जो भी होगा मतलब हमें मतलब पसंद होगा वो हम मंगाएंगे, तो उसको इंटरवल में खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए गाइस ऐसे ही बने रहिए, तो हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि हमारा जो मतलब टीवी का सेटअप किस तरीके से हमने किया है। तो मैं थोड़ी वीसी के पापा की हेल्प कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा जो सेटअप है ऐसा कुछ हो गया है। तो वीसी के पापा ने ये वायर ना स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लिया, क्योंकि साउंड भी आना चाहिए, और मतलब बहुत तेज लाउड वाला, मतलब ज़्यादा लाउड नहीं करेंगे, मतलब जितना वीसी मतलब उसको टॉलरेट कर सके। और वीसी के पापा ने देखिए यहाँ पर टेबल में ऐसे लगा लिया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे दो ये देखो गाइस, वीसी भी ना मतलब यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई है देखने के लिए, क्योंकि ना उसे ऐसा लग रहा है मतलब टीवी उसे फर्स्ट टाइम देख रही है वो, तो उसे उसको देखना थोड़ा कहीं इसका हेड। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल ऐसे सेटअप पूरा कर लिया है, ऐसा तो मतलब मुझे लग रहा है वीसी के पापा बोल रहे थे कि मतलब ऐसा तो पीवीआर में भी फीलिंग नहीं आती है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कूलर भी लगा लिया है, तो रूम बहुत ठंडा हो चुका है, और बिल्कुल जैसे माहौल जैसे पीवीआर का रहता है, तो वैसे ही कर लिया है। तो चलिए गाइस, अब हम वीसी के पापा टीवी लगा मतलब प्राइम वीडियो है, स्नैक्स तो उसमें आएंगे ना, मतलब फर्स्ट उसमें भी मिलेंगे, तो फर्स्ट उसमें भी मंगा लो है ना, फिर इंटरवल में भी मंगा लेंगे। तो गाइस वो वीसी के पापा उसको भी ऑर्डर कर देंगे, और वीसी के पापा देखिए प्राइम वीडियो में ये मतलब भोला मूवी लगा रहे, तो हम भोला मूवी देखेंगे। तो उसका हमने मतलब ट्रेलर देखा था, तो काफ़ी अच्छा लगा, तो हम वही मूवी देख रहे हैं, वही मतलब प्लान हमारा पीवीआर में जाके भी वही वाली मूवी देखने का था। तो चलिए गाइस, फिर हम आपको दिखाते हैं कि मतलब मूवी हमने कैसे इंजॉय की, और हमारे जो स्नैक्स आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या मंगाया है। तो चलिए वीसी के पापा रेडी हो जाइए, लाइट मैं बंद कर देती हूँ। ओके बाय बाय गाइस, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर जब हमने रूम चेंज किया है, एक साल हो गया ना हमने टीवी नहीं देखी जब से, तो अच्छा लग रहा है, टीवी मतलब काफ़ी बड़ी भी है, तो उसमें मतलब अच्छा दिख रहा है। तो चलिए कहीं दिखाती हूँ, बोला वी वी को नींद आने लग गई, वी नहीं सो जाओ आप, है ना वी वी सो जाइए।
तो देखिए गाइज हमारा जो है इंटरवल हो चुका है इसका मूवी का, तो वीसी के पापा ने ऑनलाइन ऐसे ऑर्डर कर लिया था। तो देखिए गाइज तो ये मैंने क्या है एक प्लेट में रख लिया ऐसे करके, तो ये वेज मोमोज और पनीर मोमोज मंगाए हैं और चाउमीन मंगाई है वीसी के पापा ने। और देखिए कोल्ड ड्रिंक तो हमारे घर में गिलास ऐसे थे तो हमने इसमें डाल लिया। तो चलिए गाइज अब इसको खाते हैं और फुल इंजॉय लेते हैं मूवी का। तो वीसी के पापा कैसा लग रहा है आपको? तो बीच में सो गई थी बट देखिए कैसे इसकी आंखें देखिए कैसी हो गई है, तो बीच में सो गई थी तो अब उठ गई है। तो चलिए गाइस हम इसे खाते तो आपको फिर लास्ट में बताते हैं कि कैसा रहा। अभी तो हमारे पास पॉपकॉर्न भी पड़े हैं, कुरकुरे भी पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मूवी में एंजॉय लेते हैं वैसे ही सेम हम वैसे एंजॉय लेंगे, है ना? ठीक है ना वीसी पापा? तो चलिए गाइस बाय बाय। तो गाइस देखिए हमारा जो प्लान था ना काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि बाहर देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है और बिजली भी चमक रही है। तो अच्छा हुआ कि हम नहीं गए और घर में ही हमने प्लान किया। तो कभी कभी मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है क्योंकि ऑल फॉर द बेस्ट इसीलिए कहा जाता है ना। तो गाइस देखिए कितनी बिजली चमक रही है ऊपर। तो ये दिल्ली का मौसम हो रहा है इस तरह से। तो चलिए गाइस हम अपनी मूवी एंजॉय करते हैं और मैं बनाती हूँ पॉपकॉर्न। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको पॉपकॉर्न फिर हम खाते हैं। तो देखिए गाइस हमारे जो है पॉपकॉर्न भी रेडी हो चुके हैं, तो अब हम ये खाते हैं और मूवी का एंजॉय करते हैं। हे गाइस तो देखिए हमारी जो मूवी है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये मैं जो ब्लॉगिंग है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर रही हूँ, क्योंकि जो है रात को काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मूवी देखते देखते, और क्योंकि बीच में ना विशी भी थोड़ा परेशान कर रही थी तो उसको भी देखना पड़ रहा था, उसको सुलाना पड़ रहा था, फिर उड़ जा रही थी फिर सुलाना पड़ रहा था। तो मतलब 3 घंटे की जो मूवी थी वो कम से कम 4-5 घंटे हो गई थी क्योंकि ब्रेक करके देखनी पड़ी। मतलब काफ़ी इंजॉय अच्छा लगी मूवी, मतलब अगर जैसे थिएटर में जाके देखते तो मतलब और अच्छी लगती, वैसे घर में भी मतलब काफ़ी अच्छी लगी और जिस तरह से हमने माहौल बनाया था तो उस माहौल से ना काफ़ी अच्छी लगी। और जो विशी के पापा है ना वो ऑफिस चले गए, वैसे तो उनकी मतलब दिन की शिफ्ट थी मगर ऑफिस में कुछ काम था तो शायद उनको जल्दी जाना, मतलब जल्दी क्या जल्दी चले ही गए। तो सुबह मॉर्निंग में विशी के पापा 8 बजे चले गए थे। तो अब देखिए गाइस तो मैं मतलब विशी के पापा का एक रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि विशी के पापा वैसे हिंदी मूवी मतलब बहुत कम देखते हैं बट उन्होंने देखी, उन्हें काफ़ी अच्छी लगी और आप लोगों को भी गाइस देखनी चाहिए थिएटर में जाके। मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे एक्टर वगैरह भी जो एक्ट्रेस है, और मतलब काफ़ी उन्होंने मेहनत कर रखी है, अजय देवगन ने मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत की है इसमें, तो देखना चाहिए। तो चलिए गाइस अब जो मैं ना विशी की ना मालिश कर रही हूँ, तो देखिए आज जो मालिश की क्योंकि मैं यहीं पर कर रही हूँ फ्लोर में, क्योंकि अब ये ना बड़ी हो गई है तो थोड़ा ना वाला कमरा जो बाहर वाला कमरा है ना बहुत गर्मी भी होती है इस कमरे में, तो ये कमरा ठंडा रहता है तो यहाँ पर इसके फ्लोर में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि विशी का जो पानी नहाने का जो पानी है ना वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिएगा ये ऐसा होता है आटा, इसको रागी का आटा भी कहते हैं हमारे उसमें, तो मतलब क्वाद का आटा भी बोलते हैं, मंडवे का आटा भी बोलते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ वीसी की मसाज को मतलब पानी से लेके ना वीसी को पहले से नहलाती हूँ, फिर शैम्पू से, फिर साबुन से, इसमें साबुन रखा हुआ है और ये वीसू का जो है गुनगुना पानी है। मतलब काफ़ी लोग पूछे थे वीसू को आप मतलब कैसे नहलाते हो, तो वीसू को हम मतलब ऐसे ही मतलब डेली गुनगुने पानी से नहलाते हैं। तो चलिए मैं उसकी मालिश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइस मालिश तो मतलब मैं डेली करती हूँ, 2 टाइम मालिश करती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी लोग पूछ भी रहते हैं कि आप अपने बेबी को मतलब कितने टाइम मालिश करते हो कितने टाइम मालिश करते हो। तो आप लोग जो जिन्होंने मतलब पूछा है तो उनको मैं बता रही हूँ कि जो विशी की जो मालिश है वो 2 बार होती है, एक सुबह होती है और एक शाम के 7 बजे कभी 8 बजे भी जाती है। और जैसे ये जब अगर क्योंकि कूलर चलता है तो कूलर से ठंडा भी होता है, तो मालिश में इसकी क्या है 7-8 बजे करीब कर देती हूँ। अच्छा नहीं अच्छा ये लो बस इसकी अब ऐसी मालिश रहेगी क्योंकि अभी करने नहीं देती है, और इसको ऐसे ऐसे करके बस मैंने आपके जो अगर आपको डिटेल में मालिश देखनी है तो मैंने जो पीछे वाले ब्लॉग है उसका मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप ना इसकी पूरी जो मतलब जिस टाइम पे ये मतलब 1 से लेकर 4 मंथ्स के बीच में थी तो उस टाइम पर मैं कैसी मसाज करती थी, तो ऐसी इसकी मालिश हो रही है बस। विशु बंदर बाय। तो गाइज हमारा जो ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।